आंधीअ में जोत जगाइण वारा सिंधी ऐं खाक के सोन बणाइण वारा सिंधी Again, it's my great privilege
to welcome all of you here, each and every one, to this small program of National Council of Promotion of Sindhi Language. Dhanyavaad, dhanyavaad, and namaskar, namaskar, namaskar. Here my Nivedan Kalu, Asaya NCTSN Director, Dr. Ravi Prakash K. Chandani Ji, Jinte Netrutva Mein, Gat 28 Saalan Ko Sare Desh Mein, Sindhi, Sindhi Bhasha Aur Sindhi De Jo, Jordar Kam Thi Reha. Asaya Vich Mein Ravi Kumar Ji Aaye Hain, Ma Ravi Kumar Ji Ke Request Karun, Please, Agnu Vachan. आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर राजभवन में उपस्थित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं बड़ी ही विनम्रता से महामहिम राज्यपाल महोदय जी श्री विद्यासागर राव जी का अभिनंदन करता हूँ। युग पुरुष आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की उपाध्यक्षा आदरणीय प्रोफेसर अरुणा जेठवानी जी, आदरणीय आशीष शेलार जी, आदरणीय विनोद तावड़े जी, मुझी बड़ी भेण प्रतिभा आडवाणी जी, दादी निर्मला वाधवानी जी, इन सभागार में हाजिर तहां सभी सिंधी बोली जा चाहक शब्द साधक बंधुओं, एनसीटीएसएल के उपस्थित सभी सदस्य बंधुओं, मुख्य इजाजत दियो जो तही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मुख्य लफ्ज जिते मुख्य कॉमेंट मिलिया माहिती में कुछ चई सका ताजी इजाजत सा। बंधुओं, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की स्थापना 1994 में हुई थी, लेकिन सन 1994 से पूर्व की दो तिथियों का स्मरण हम सभी सुधी मनों सुधी जनों को यहाँ पर करना चाहिए। सन 1967 में 10 अप्रैल को भारत के संविधान में राष्ट्रीय भारत के संविधान में 8th शेड्यूल में सिंधी भाषा को सम्मिलित किया गया था। तत्पश्चात 1970 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा एक सिंधी भाषा सलाहकार समिति का गठन हुआ, जो तत्पश्चात 1994 में 26 मई 1994 में यह राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद का गठन हुआ। और राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की यह निरंतर गतिविधियां आप लोग गत कुछ वर्षों से देख रहे हैं, संविधान का वो 67 वर्ष और आज 2017 ये एक 50वां वर्ष है जब भारतीय संविधान में सिंधी भाषा को सम्मिलित किया गया। यह हम सब के लिए बड़े हर्ष का विषय है और उसी संदर्भ में आज यह सिंधी भाषा, सिंधी साहित्य, सिंधी समाज के संदर्भ में, उसके इतिहास के संदर्भ में आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम सब मिल करके आप सभी सुधी बंधुओं का अभिनंदन करते हैं। दो वाक्य अपनी बात कहूंगा, तत्पश्चात समाप्ति की ओर। बंधुओं, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद अन्यान्य योजनाओं के द्वारा सिंधी भाषा का विकास कर रही है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ वो गत वर्ष में, गत दो वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में सिंधी शोध पीठ की स्थापना की गई। सर्वप्रथम अजमेर में सिंधी शोध पीठ की स्थापना हुई, तत्पश्चात इग्नू में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में सिंधु शोध पीठ की स्थापना हुई, तत्पश्चात देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में सिंधु शोध पीठ की स्थापना हुई और इसके पश्चात सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में यह रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई। भारतीय भाषाओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके यह सिंधी भाषा अपने उन्नयन की प्रगति की ओर अग्रसर है, जिसमें कश्मीरी के साथ, जिसमें मलयालम के साथ, जिसमें मैथिली के साथ, जिसमें बांग्ला के साथ, अन्यान्य असमिया के साथ, हिंदी संस्कृत के साथ, अन्यान्य भाषाओं के साथ राष्ट्रीय सिंधी भाषा ने गत दो वर्षों में कार्य किया है। यह बहुत ही समीचीन होगा, महत्वपूर्ण होगा और मैं इस अवसर का बड़ी ही विनम्रता से लाभ लेना चाहूंगा। मैं आदरणीय गवर्नर महोदय को
मामले में राज्यपाल महोदय से आग्रह करूंगा, कर्मबद्ध प्रार्थना करूंगा, यदि संभव हो सके तो क्या सेंटर फॉर सिंध स्टडीज बॉम्बे यूनिवर्सिटी में आपके रहते हैं जहाँ पर आ जाए तो हम सब बहुत प्रसन्न होंगे। मैं बहुत कृतार्थ हूँ, आप सब लोगों का पुनः अभिनंदन। हिस्ट्री पर, इतिहास पर कुछ बिंदु हमारे कुछ विद्वान हैं आपसे सुनेंगे, लेकिन एक बात कह करके मैं जाना चाहूंगा, ऋग्वेद काल से लेकर के और इंडस वैली सिविलाइजेशन तक के काल में हमें हमारे इतिहास के उन महत्वपूर्ण पन्नों को पढ़ने का अवसर मिलता है, लेकिन उस काल से लेकर के सन 712 तक जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है तो वो सिंध के संदर्भ में वो काला इतिहास का पन्ना क्यों होता है, उन पन्नों को खोलना चाहिए, उस पर अभी और रिसर्च होना चाहिए। इसी मनोभावना से आप सभी का अभिनंदन। स्वागत है कार्यक्रम के अगले बजाय माँ आदरणीय अर्पणा लिखवानी जी और वसाय डायरेक्टर रवि प्रभा जी के और वसाय आमदार गुरु कृपाणी के रिक्वेस्ट करूँ, दादा एल के अडवाणी साहब जो झूलेलाल की मूर्ति और पखर डेकर स्वागत है। उन्हें कहा वो दादा घनश्याम कुकरेजा जी महामहिम राज्यपाल जी जो अरुणा जी ने रवि जी द्वारा स्वागत करना। उन्हें कहा वो दादा राधाराम जी रवि जी अरुणा जी रवि कुमार जी का स्वागत करना। जल्दी स्वागत अच्छा करता से निर्मल अलवाड़ी से दोनों को हो गया आगे तो ठीक ओके हम बात करेंगे ओके रिकॉर्डिंग का मां लालन जो ना कराची को मटी करे देखी यात्रा शुरू कही नवे साल को हिना पड़ाव पे आए हैं लालन जो लाल इनकर बचवा मां चोदन आयो लाल तेरी कल्पना ये नहीं थी कि इतनी बड़ा हॉल भरा हुआ होगा आज। मैं तो सोचता था कि औपचारिक तौर पर आज से 55 साल पहले वाजपेयी जी ने मैं उपस्थित था उस दिन सभा में भी संसद में जब उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि सिंधी भाषा को भारत के संविधान में स्थान प्राप्त करने का आज 55वां दिन है, 50 साल हो गए उसको, और वाजपेयी जी के जब उपनी देश के प्रधानमंत्री बने तब उनसे इस बात का कार्य संपन्न करवाया गया कि औपचारिक रूप से और संविधान में सिंधी को स्थान प्राप्त हो, और प्राप्त हो गया, खुशी की बात है, और आज औपचारिकता उसकी भी पूरी हो गई। यहाँ पर मुझे स्मरण आता है कि बहुत खुशी हुई थी उस दिन, मेरे मन में बिल्कुल आनंद की उमंग उछल पड़ी कि सिंधी को पुनः चाहिए था जब संविधान सभा बनी थी, और जब संविधान पूरा हुआ था उसी समय होना चाहिए था, लेकिन तब तक नहीं हो पाया, और बाद में वाजपेयी जब जी जब प्रधानमंत्री बने उनके काल में ये कार्य संपन्न हुआ, और आज यहाँ मुंबई के शहर में यहाँ के राज्यपाल की उपस्थिति में उसको और संपन्न किया गया, और बहुत खुशी की बात है।
संविधान के आठवें शेड्यूल में उस पर जितनी भाषाएं भारत के संविधान ने मान्यता जिनको दी है उन सब का उल्लेख है। उल्लेख अगर किसी का नहीं था जब संविधान बना था तो एक शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल टू इंक्लूड द सिंधी लैंग्वेज इसका नहीं था तो वो उस दिन किया गया और इसीलिए उस दिन का ये दिन महत्वपूर्ण है हम सबके लिए और अच्छा है कि आज राज्यपाल जी की उपस्थिति में और यहाँ पर उसको मान्यता दी गई है और टू इंक्लूड सिंधी लैंग्वेज इन द एट्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट वॉज स्पोकन बाय देम ओवर 20 लाख रेफ्यूजीज फ्रॉम सिंध वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा बट एज इट लैप्स्ड श्री वाजपेयी अगेन इंट्रोड्यूस्ड इट इन द लोकसभा दिस बिल वॉज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड वॉज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1967 उसको संविधान में स्वीकार किया गया और उसको स्थान मिला भारत के संविधान में। मैं चाहूंगा कि आप सभी इस प्रति को इस प्रति की प्रतियां यहां निकलवा लें और राज्यपाल जी से अनुरोध है कि जितने लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं सबको एक एक इसकी प्रति दी जाए जैसे वो ले जा सके और अपने निवास पर इसको योग्य स्थान दे कि 17 सेंचुरी तक सिंधी देवनागरी में लिखी जाती सत्रहवीं शताब्दी तक सिंधी देवनागरी में लिखी जाती थी। मैं आप सबको बधाई देता हूँ इस अवसर पर और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस प्रकार से आज उसको हमने सबने यहाँ पर स्वीकार किया उसकी प्रतियां लेकर के यहाँ से घर पर जाएंगे और घर पर जितने लोग हैं उन सबको समझाएंगे बाकी लोगों को भी बताएंगे। पद्म विभूषण श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी फादर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री विनोद तावड़े जी अनल मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर निर्मल आडवाणी मिनिस्टर ऑफ गुजरात श्री आशीष शेजार आनबल मेंबर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली श्री रविकुमार विश्व विभाग प्रमुख RSS श्रीमती अरुणा जेटवानी वाइस चेयरपर्सन नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज डॉक्टर रवि टेकचंदानी डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज श्री अजित मान्या कन्वीनर डिस्टिंग्विश्ड इनवाइटीज लेडीज एंड जेंटलमैन आई एक्सटेंड अ वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल to Raj Bhavan. I extend my special and personal welcome to our beloved leader, former Deputy Prime Minister of India, with whom I had the privilege of working as Minister of State in the Home Ministry, Sri Lal Krishna Advani ji. At the outset, I would like to compliment the National Council for Promotion of Sindhi Language for organizing this function to commemorate the golden jubilee of the inclusion of Sindhi language in the 8th schedule of the Constitution of India. And I rejoice it with all members of Sindhi community. So far 22 languages have been included in the 8th schedule. However, it is not enough to get the language included in the 8th schedule. Efforts are needed from all the sections of society for preservation of the language. In the history of human civilization, few communities have suffered such trauma and pain as the Sindhis did in the aftermath of partition of India. For no fault of theirs, the most progressive and most peaceful Sindhis were forced to abandon their home and health and had to come to this part of India literally empty-handed.
It was the good fortune of Maharashtra that many members of Sindhi community settled in and around Mumbai and in other parts of Maharashtra. To their supreme credit, the Sindhis not only picked up their lost threads, but on the sheer strength of hard work and determination, transformed themselves into one of the most successful communities perhaps anywhere in the world. The Sindhis settled in different parts of India, and wherever they went, assimilated with the local population and cultures while also preserving their own identities and unique culture. I have great admiration for the Sindhis for their spirit of enterprise. I consider Sindhis as pioneers of the startup revolution that we are tracking today. They challenged the destiny and defined their own course through enterprise and hard work. Today, the Sindhis are job givers, not job seekers. Ladies and gentlemen, Acharya Kripalani had made two pertinent observations about Sindhis. He noted the fact that the Sindhis made good progress without any help from the government. Secondly, he noted that no Sindhi after partition ever begged. He earned the honest living. That is truly remarkable. During the last 70 years since independence, the Sindhis have made spectacular contribution to the socio-economic progress and development of India, development of Maharashtra, and development of Mumbai. Speaking for Mumbai, I will say the socio-economic history of the Mumbai after 1947 would be incomplete without the glorious references to the multifaceted contributions of the Sindhi community. The Sindhi community has given the nation some of the most prominent politicians like Jairam Das Daulatram, Acharya J.D. Kripalani, Sucheta Kripalani, Lal Krishnadwani, K.R. Malkani, the rich culture, traditions, and most importantly, the Sindhi language has become a challenge for all of us. We need to support of every member to preserve Sindhi. A lot will have to be done to promote and popularize the Sindhi language, particularly among the young generation. We will have to make efforts to promote Sindhi among non-Sindhi students also. If required, we should offer scholarships to students pursuing studies in Sindhi language and culture. Today, it is not just Sindhi language. All regional languages are under threat because of the growing use of English language. We will have to think how technology can help us to reach out to the new generation and promote Sindhi and other regional languages and literatures. As we rejoice the occasion of the Golden Jubilee of inclusion of Sindhi language, let us all take pledge to preserve and promote our own language. I wish the National Council for Promotion of Sindhi Language all success in its endeavors. Jai Hind, Jai Maharashtra.